खबर धनबाद से है, जहां बलियापुर निवासी अशोक गोप को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। अशोक गोप की मौके पर ही मौत हो गई। अशोक दोलावर पंचायत के मोको के रहने वाले थे। मौत की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताएं आपको कि पत्थर व्यवसायी था अशोक गोप। एक बार फिर से धनबाद में फायरिंग, मर्डर, पत्थर व्यवसायी अशोक गोप की गोली मारकर हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। पुलिस मौके पर पहुंची है। बलियापुर का रहने वाला था अशोक गोप, जिसकी हत्या की गई है। पत्थर व्यवसायी बताया जा रहे हैं। सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, पत्थर कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, कोई सुराग पुलिस के हाथ? जी हाँ, नहीं बिल्कुल बता दूं आपको कि हालांकि कोयलांचल धनबाद में जिस तरह से खूनी संघर्ष का खेल चल रहा है, पिछले जो कहे तो 9 वर्ष जो ही घुसा है, और इसके बाद से लगातार यहाँ पे गोलीबारी की घटनाएं होते जा रही है। और जिस तरह से मतलब कहे तो इस 15 दिनों के अंदर में लगातार गोलीबारी धनबाद में देखने को मिल रहा है। आज बलियापुर में कहे तो कालू बथान ओपी क्षेत्र के बलियापुर निवासी को दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। वो पत्थर व्यवसायी का काम करता था। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से हत्या होते जा रही है, ये पुलिस के लिए काफी एक चुनौती का विषय है। तो क्या परिजन कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक कहे तो परिजन की ओर से किसी तरह का लिखित शिकायत दिया नहीं गया है, लेकिन उन परिजन साफ तौर पर जिस तरह से कहा है कि उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था, और अपने जो के पत्थर कारोबारी के साथ कुछ जो अज्ञात लोग गोलीबारी की है उसमें कुछ दोस्तों का भी नाम आ रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अंकित। तो देखिए, अब दोस्तों पर ही आरोप लग रहा है, कुछ नाम सामने आए हैं। अब उन नामों को जो तलाश रही है कि क्या वाकई जो नाम सामने आ रहे हैं वो इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि झरिया में एक बार फिर से दिन दहाड़े मर्डर की वारदात हुई है, हत्या हुई है। एक पत्थर व्यवसायी जिसकी हत्या कर दी गई है गोली मारकर, अशोक गोप नाम बताया जा रहा है पत्थर व्यवसायी का, जिसकी हत्या की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।